लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। और आज पूरे दिन अर्णब गोस्वामी के मसले पर सुनवाई हुई। जैसा कि आपको पता है कि अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या के उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 नवंबर की सुबह को उनको गिरफ्तार किया गया और इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। आज का दिन महत्वपूर्ण था। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 बजे पे सुनवाई के लिए इसे रखा था। 3 बजे इस मामले पे सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लगा था। आपको पता है कि महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रिविलेज नोटिस जारी किया था और अर्णब गोस्वामी पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर तमाम आपत्तिजनक बात की थी। आपको याद होगा एक्टर सुशांत सिंह केस में अर्णब गोस्वामी ने एंकरिंग के दौरान तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, सीधे सीएम उद्धव ठाकरे का नाम लिया था और उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया था। उसी मामले को लेकर प्रिविलेज नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा से दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज 3 सदस्यीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी बेंच पे सुनवाई हुई। सीधे तौर पर जो नोटिस जारी किया था इसके बाद अर्णब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने उन्हें एक पत्र लिखा और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते थे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज बहुत नाराज रहा। उसने कहा आर्टिकल 32 के तहत जो एक राइट है किसी भी सिटीजन का, अगर उसे कोई ग्रीवांस है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। आप आर्टिकल 32 जो एक फंडामेंटल राइट की तरह है, आप उस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। सीधे तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव के उस पत्र को उन्होंने कहा कि ये जो न्यायिक प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया वो फिलहाल आदेश ये था कि विधानसभा द्वारा उन पर किसी भी तरह का कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर विधानसभा चाहे कि उनको गिरफ्तार कर ले या उनको किसी तरह दंडित कर दे, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हाथ साफ कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो वकील पेश हुए थे, हरीश सालवे थे, चूंकि वर्चुअल कोर्ट चल रहा है इसलिए तमाम बड़े वकील वहां पर सॉलिसिटर जनरल थे। अभिषेक मनु सिंह भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से उसमें अपीयर हो रहे थे। तो उनसे पूछा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कि क्या इस मामले में एमिकस क्यूरी की जरूरत है। तो हरीश सालवे ने कहा ठीक है, आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें तमाम नाम आए, लेकिन अरविंद दतार जो सीनियर एडवोकेट है इस मामले में, उनको फिलहाल एमिकस क्यूरी बनाया गया है। तो फिलहाल ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन आप चलते हैं 3 बजे की उस सुनवाई, महत्वपूर्ण सुनवाई जिस पर सबकी नजर थी कि क्या इनको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कब तक जेल में बंद रहेंगे, ये जो सवाल है कि अर्णब गोस्वामी कब तक जेल पे रहेंगे, उस पर लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान हरीश सालवे जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने शुरू किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप जिस एबटमेंट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एबटमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए जो कंडक्ट होता है उस सीधे तौर पर कंडक्ट क्या होना चाहिए, वो कंडक्ट होना चाहिए प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं तो साफ तौर पर उसके साथ निजता का सीधा कोई संबंध होना चाहिए। उकसाना किस तरह होगा, उकसाने का भी एक मापदंड होगा। उस मापदंड के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट्स का भी हरीश सालवे ने हवाला दिया। उन्होंने कहा सीधे तौर पर अनवय नायक जो इंटीरियर डिजाइनर हैं, जिन्होंने आत्महत्या की, उनकी मां ने आत्महत्या की, क्या कारण से उनकी मौत हुई, हत्या हुई, अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जो आत्महत्या हुई वो इसलिए हुई क्योंकि अर्णब गोस्वामी और उनकी कंपनी पैसे उनको नहीं दे रहे थे। उन्होंने उन रिपब्लिक टीवी बनाने का जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम किया था उसके पैसे नहीं दे रहे थे
और यही कारण है कि उन्होंने आत्महत्या करी थी। तो हरीश सालवे ने साफ तौर पर कहा कि प्रॉक्सिमिटी क्या है, प्रॉक्सिमिटी भी तो आपको शो करनी पड़ेगी, कोई तो नजदीकी शो करनी पड़ेगी कि उन्होंने थ्रेटन किया, ऐसी कोई बातें कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट हरीश सालवे ने दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखा और कहा कि केवल ये किसी को उधारी आपने दे दिया और उसको अपशब्द कहा है, केवल गाली गलौज कर दिया, इस आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है तो वो फिलहाल नहीं बनता है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने दिया सीजीएम की अदालत का, सीजीएम अलीबाग ने आपको पता है कि जब गिरफ्तार किया गया अर्णब गोस्वामी को तो सीधे उनको ले जाया गया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेजने का आदेश दिया था। लेकिन इसके साथ ही सीजीएम कोर्ट ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण लिखा कि जब इस मामले में 2018 का मामला था, 19 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, तो पुलिस अपने आप सुमोटो वो कैसे शुरू कर सकती थी, कहीं ना कहीं कोर्ट की कोई परमिशन की जरूरत होती है, वो आपने परमिशन नहीं ली थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो पूरी तरह से गिरफ्तारी का मामला इलीगल दिखता है। ये बात आज हरीश सालवे और जो अवध पांडा हैं सीनियर एडवोकेट है बॉम्बे हाईकोर्ट में, उन्होंने ये कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि क्या जो सीजीएम अदालत है उसके आदेश को अपील की गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस मामले में जैसे ही हाईकोर्ट में बंदी प्रतीक्षीकरण याचिका यानी कि हैवियस कार्पस रिट लगाई गई थी और कहा गया था कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पूरी तरह से इलीगल है, उस मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तो उसमें कहा गया कि बेल तो एप्लीकेशन आपने विड्रॉ कर लिए, बेल एप्लीकेशन हमारे सामने नहीं है, तब सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट के पास 226 में ही पावर है, यानी कि हाईकोर्ट अगर चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जिसमें 226 में हाईकोर्ट बेल सुन सकता है। हाईकोर्ट ने कहा ठीक है हम इस पर सुनेंगे, लेकिन अब महत्वपूर्ण फैसला कब कल के लिए टला है, यानी कि शनिवार की 12 बजे से इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच ने साफ तौर पर कहा कि देखिए इस मामले में हम आपके सभी पक्षों को सुनेंगे, अर्णव गोस्वामी को हमने सुना, उनकी दलीलों को हमने सुन लिया है, इसके साथ ही जो दूसरा पक्ष है यानी कि पीड़ित का पक्ष अन्वय नायर जिसने आत्महत्या कर ली ये एलिगेशन के साथ एक पत्र के साथ कि वो जो स्टूडियो बनाने का पैसा था वो नहीं मिला था, इसलिए वो उसके घर पे लोग आ रहे थे उससे पैसा मांग रहे थे, अन्वय नायर लगातार इस बात का दावा कर रहे थे कि पैसा मांग रहे थे और उसके कारण उन पर दबाव था इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब मुद्दा फिलहाल ये है कि शनिवार की 12 बजे से इस मामले में सुनवाई होगी। हरीश सालवे ने पहले ही कह दिया कि उनको और भी वक्त चाहिए अपनी बातें रखने का, और पीड़ित की तरफ से यानी कि अन्वय नायर की तरफ से भी वकील बोलेंगे कि क्या कारण है कि 2 साल क्या इन्फ्लुएंस रहा, ये क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी पर आरोप था ये कि उन्होंने पैसा नहीं दिया, उनकी कंपनी ने उसको पैसा नहीं चुकाया, तो इन आरोपों में कितना दम है, यानी कि ये सब तमाम बातें तय करेंगी कि अब अर्णव गोस्वामी जेल से बाहर कब निकलते हैं, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, छुट्टियां होने वाली हैं, तो क्या माना जाएगा कि अर्णव गोस्वामी को फिलहाल जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं क्या उनको जेल में ही अपनी दिवाली मनानी पड़ेगी, ये तमाम अभी पॉइंट बाकी है। और ये भी बाकी है कि उनको जेल से राहत कब मिलेगी, ये बॉम्बे हाईकोर्ट तय कर सकता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।